हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम केयर हो। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम छोटे छोटे बेबी प्लांट्स या सीडलिंग्स जो होती हैं तो उनको हम कैसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। आप देखिए, ये मेरी जो कोचिया की सीडलिंग्स हैं बहुत डेंस ग्रो हुई हैं और अब टाइम है इनको फर्टिलाइज़ करने का, क्योंकि इन पर ट्रू लीव्स आ चुकी हैं। तो दो चार से ज़्यादा जो है ट्रू लीव्स अगर आपके प्लांट पर आ जाएँ, चार पाँच से ज़्यादा, तो आप उसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो कोई भी अच्छा सा NPK आप लेके इस पर स्प्रे कर सकते हैं। DAP को फ्रेंड्स अवॉइड करें, गर्मी में DAP आपको नहीं डालना है। और जब आप अपने प्लांट्स पे या सीडलिंग्स पे, छोटी छोटी सीडलिंग्स पे आप स्प्रे करेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो इवनिंग में करना है, मॉर्निंग में भी नहीं करना है, ना ही दोपहर के टाइम। दोपहर के टाइम तो बिल्कुल भी अब नहीं करना है, उसको अवॉइड करें। तो देखिए, मॉर्निंग ग्लोरी की जो मेरी सीडलिंग्स हैं वो काफ़ी डेंस उगी हैं और इन पे भी ट्रू लीव्स आ चुकी हैं, तो अब टाइम है इन्हें फर्टिलाइज़ करने का। उसी तरह आप देख सकते हैं मेरी सन गोल्स जो सन फ्लावर की वैरायटी है, उसमें भी ट्रू लीव्स, चार ट्रू लीव्स आ चुकी हैं और छोटी छोटी दो निकल रही हैं, तो इन्हें भी हम फर्टिलाइज़ कर सकते हैं इस टाइम। और कोई भी आप NPK किसी भी तरह का ले सकते हैं, मार्केट में अलग अलग रंग में आता है और वाइट में भी आपको मिल जाएगा और पिंक जैसा मेरा है इस तरह का पिंकिश कलर में भी आपको मिल जाएगा। तो एक लीटर मैंने पानी ले लिया है और इस एक लीटर पानी को, नॉर्मल वाटर है ये, जैसा हमारा नॉर्मल टैप का वाटर होता है, उसमें हम सिर्फ 1/4 क्वान्टिटी अपने NPK पाउडर की डालेंगे। 1/4 से फ्रेंड्स बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा अगर आपने डाल दिया तो आपकी जो सीडलिंग्स हैं वो जल जाएंगी और यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट ओवरडोज योर सीडलिंग्स। तो 1/4 मैं ले लेता हूँ। 1/4 भी अगर आप डाल रहे हैं तो 1/4 से ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना है, कम फ्रेंड्स चल जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आप भूल ना जाएँ। तो ध्यान रखें, ये मैंने देखे 1/4 लिया है बिल्कुल, और इसे मैं एक लीटर पानी में डाल देता हूँ। देयर इट गोज एंड मिक्स इट वेरी वेल इनटू द वाटर अंटिल इट डिजॉल्व्स कम्प्लीटली एंड यू हैव टू मेक श्योर कि कोई रेजिड्यू जो है वो पानी में ना बचे, उससे आपकी जो स्प्रे बॉटल है वो ख़राब हो सकती है। तो बिल्कुल अच्छी तरह घुल जाए पानी में, तब तक आपको इसे घोलना है। और देखिए, मार्केट में मेरे को तो ये पिंक कलर का मिला था, आपको जिस भी कलर का मिल जाए, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का मार्केट में आता है, वाइट भी मिल जाएगा आपको और स्काई ब्लू कलर में भी मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब तरह के NPK अच्छे होते हैं, अच्छी कंपनी का लेना है बस आपको। और दूसरा, ये ग्रैन्यूलर फॉर्म में भी आता है फ्रेंड्स, और ग्रैन्यूलर फॉर्म में आता है तो आपको उसको भी अच्छी तरह से जो है पानी में घोलना है। तो ग्रैन्यूलर फॉर्म को आपको घोलने के लिए ओवरनाइट डाल के रखना पड़ेगा और पाउडर फॉर्म जो है वो झट से घुल जाती है, तो मैं पाउडर फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। आप ग्रैन्यूलर यूज़ करेंगे तो आप उसको एक लीटर पानी में जितने भी दाने आपके 1/4 स्पून में आ जाए, या आप 5 से 8 दाने डाल सकते हैं, 1/4 स्पून के अराउंड उतने ही होंगे, या एक लीटर में अगर मैं दानों की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक लीटर में 8 दाने डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा को जो है अवॉइड करें। और फिर हम इसे वाटरिंग कैन में फिल कर लेंगे। तो देखिए, मैंने अपनी वाटरिंग कैन में ये पानी जो है वो फिल कर लिया है अच्छी तरह से, मेरा फर्टिलाइज़र इसमें है, तो शेक करेंगे जिससे कि जो फर्टिलाइज़र थोड़ा बहुत नहीं भी घुला होगा वो अच्छी तरह जो है पानी में घुल जाएगा। और फाइन मिस्ट आपको इसकी स्प्रे करनी है, एकदम से शार्प पॉइंटेड स्प्रे ना करें, उससे सीडलिंग्स ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से अच्छी तरह अपने सीडलिंग्स को आपको नहला देना है। तो सेम यही चीज़ मैं इस तरह से, ये प्रोसेस मैं करूँगा कोचिया के सीडलिंग्स पे। और फ्रेंड्स, जब आप इसको ये सेम हम करेंगे अपने सन गोल्ड पे, अच्छी तरह हम छिड़काव कर लेंगे।
तो प्लांट जो सीडलिंग्स हैं हमारी बेबी प्लांट्स हैं वो लीफ के थ्रू इसको इनटेक करेंगे जो हम उनको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं और उनको ओवरऑल ग्रोथ में ये हेल्प करेगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों जो हैं वो इसको मिल जाएंगे एनपीके से सीडलिंग्स को। और फ्रेंड्स इसको आपको जो है 15 दिन में एक बार देना है बस, उससे ज़्यादा नहीं, या महीने में आप दो बार दे सकते हैं। आपको एक्सेस इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि एक्सेस करने से आपकी सीडलिंग्स जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। दूसरा फ्रेंड्स ये जो एनपीके या डीएपी जो भी होती हैं ये सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ये पॉइजन होते हैं नेचर में, तो आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में अच्छी तरह बंद करके रखेंगे और बच्चों की पहुंच से इनको बिल्कुल दूर रखेंगे जिससे कि बच्चे इनसे छेड़खानी ना करें। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो जो है आज की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कोई क्वायरी है या किसी टाइप की सीडलिंग को लेकर डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं उसके बारे में, मैं आपकी जो क्वायरी है उसको जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।